किया ठीक, अब तो नॉर्मल जी जी, ध्यान रखना बंद नहीं होने, बंद नहीं होगा। ये काम तो बढ़िया किया, बंद गाड़ी का भगवान ने दिया, जिंदगी दिया, हनुमान जी से आवाहन किया ड्राइवर, अभी नहीं का कार्यक्रम है, यहाँ कार्यक्रम है, अरे आज इधर है, मेला था ना, पड़ा अच्छा यहाँ का रास्ता भी जो स्कूल के बगल से हम उड़े आगे बढ़े, नहीं नहीं गड्ढा गड्ढे पैरा, अगर ना फंसना हो तो फंसो, ये तो ड्राइवर जो बड़ा दिमाग वाला है ना, गाँव देहात का आदमी कहें महाराज ये पैरा पड़ा है काहे, तो उतर के देखे जाए बाप रे बाप गड्ढे के ऊपर पैरा, अनाड़ी आओ तो इन्हें घुस जाओ, तो हम कहा यार आगे चलो मेन रोड पर आए, करंजा से आए, हाँ आओ भैया बैठ जाए, अभी अभी जो एक पंगत चली गई संतों की जैसा और बच्चों की जैसा चली गई, अभी दूसरी पंगत, दूसरी पंगत चल रही है, चलता ही रहेगा। फिर वो कार्यक्रम हमारा करवा दो, हम जाके सबसे आटा देंगे, ऑर्डर किया एक क्विंटल दो क्विंटल जितना दे सको दे दो, कल महाराज पहले बताए नहीं उनका, हम तो आने वाले थे मोटरसाइकिल से, लेकिन अब देखा इतना भयानक जावा है, 84 साल की उम्र है, हम जौन हमसे 2-4 साल छोटे हैं, एक जन आज मर गए बिजली पर, अरे महाराज 2-4 साल वाले नहीं हैं आप, 84 साल की बात है, आज 83 साल के बिजली महाराज लखनऊ में खत्म हो गए, बहुत भयानक, नहीं है तो नहीं है, नहीं है किसी का फोन आ रहा है, फोन आ रहा नहीं, उसको आने दो, भुवन सिंह न्यू, हाँ अच्छा ठीक है, इसको अरे मौके पर मर रहे हैं ये फालतू में बेमतलब का, बंद करो बंद करो बंद करो, तो अगर तबियत वही मैं जुड़ा सकता है, मिले वो बंद हो जाता, मजा आ जाता, क्यों और का करके देख लिया गया, गाड़ी है ही है, बात के बाद में तो हाँ हो जाए जी जी, चला
पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपया बहा दिया जाता है, पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपया बहा दिया जाता है, मगर आज तक किसी ने उसकी गहराई को समझने वाले ऐसे महाओघर की उपाधि से प्राप्ति श्री श्याम साधु जी के विषय में किसी तक आदमी ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि किसी की चारुकारिता नहीं कर पाते हैं भाई, और क्या बताया जाए। आज इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने कर रखा है दुनिया के अंदर अकेले दम पे, एक आदमी का काम बताते हैं, एक आदमी का काम 100 आदमी के बराबर भी आका जाए तो भी कम है। क्यों? क्योंकि सब करवाना चाहते हैं तो साधु जी बंदर मेरा खिला देना, साधु जी बंदर भोज मेरा कर देना, मगर कोई स्वयं करना नहीं चाहता ना। क्या क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अरे भैया, रात दिन फोन आता है, सुबह शाम रात में 3 बजे विदेश से आ रहा है, महाराज भोज करवा दीजिएगा, जब दाद भैया पूरी दुनिया के मैंने पूछा लिया है। अरे कहिए क्या कि हम ये निराला बाबा देखिए पूरा डीएम सबके पास जाने वाले हैं। जय हो महामाया, महामाया। अरे तो महामायोग जय हो के ना है, जया देवी की जय हो। बाबा का तो खाए अभी तक भाई निकालो बाबा की ज्यादा लटा और आ रहा, चली रहा महाराज, चली रहा ला दियो 10 किलो बाहर का दाना बना दे बाबा, बैठा पहले आराम से बैठा दियो। महामाया श्याम साधु की तोप दो इनका। हाँ,
साधु समाज की जय, जाने वाला की जय, बोल काली भवानी की जय, बोल सच्चे भाव की जय। मैं कहा गया मेरा अल्लाह ठीक है, फंस गया तो डबल डबल करके डाल दो, टूट जाएगा। फंस गया तो क्या होगा, दूसरी लोग में मिलके डाल दो, सुलझाओ मत। हाँ दो चार आदमी अब कहाँ सुलझने का समय, सही बात। भेज रहे ना वोट बेटा, और भाई आओ यार। अब आप एक डाल दो, पूरा पूरा ढकने का काम आपका है। हाँ तुम ढक दो। आप ये देखिए, देखिए 2012 में, सुनिए 2012 में पूरे धनी से ऐसा यहाँ हुआ था, जहाँ चांद चौधरी जी को रोटियों से ढका, रोटियों के माला ढक गए थे, रोटियों के माला से ढक गए थे, और उन्होंने कहा था कि श्याम बाबा माला जल्दी उतारो नहीं तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। ओ मामा श्याम साधु की जय। देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात आप लोगों की है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर जो भी श्रद्धा भाव से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, निश्चित है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जैसा जिसको मानोगे आप वैसा उसको फल मिलेगा, फल निश्चित मिलता है कर्म का, परंतु कर्म हमारा सत्य होना चाहिए। इसको पीछे करो, देखिए नहीं है, दौड़ते हैं। अब तो दिखा रहे हैं आपको, देखिए एक बार फिर एक बार पहचान लीजिए आप, बंदर वो जिनका धर्म है ये पर्यावरण के प्रेमी हैं, फूल माला नहीं पहनते, ये आप समझ लीजिए। पर्यावरण का सबसे पहला उदाहरण यही है कि बर्बादी से स्वयं पहले बचो, दूसरे को बाद शिक्षा बाद में दो, अपना अपना करो सुधार और तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हाँ सामने न रहो कैमरा के बिल्कुल, हाँ साइड से रहो, सब आ रहे हो, सब लोग आ रहे हो, देखिए कोई नहीं बचेगा। देखिए सामने बाल बना रहा है, भैया कोई नहीं बचेगा। भंडारा भंडारा भाई इधर आ जाओ, क्या बोलना चाहते हैं इनको घुमा दो और हम घुमाओ खुशी था सामने आ जाओ। ये वहाँ से बनाया गया, पीछे भी रहेगा आगे भी रहेगा, घनश्याम हो जा रहा है, श्याम हो श्याम ही श्याम है यहाँ पे, इनकी दीक्षा पूरी होने जी जी जी। ए भैया हटो थोड़ा बेटा, ए मुन्ना चल रहा है, चल रहा ठीक ये बीच में तो नहीं आगे बढ़ जाओ बाबा के साथ।
हाँ भाई, ये अभी थोड़ी देर पहले ये एक हमने आपको छोटा सा पर्यावरण का नमूना पेश किया था। अभी माला लाने अभी माला डालने वालों की लाइन लगी हुई है। डालिए महामानव साधु जी को, अवगण जी को, और अपनी मनोकामना पूरी करिए। जो मन में सोच के आई हो जाओ, भगवान रात तुम्हारा पूरा हो जाएगा। लो भाई आ जाओ, डालो हाँ। आज तारीख 17 जनवरी 2022 भाई साहब, दिन सोमवार। जय श्याम साधु की, जय श्याम साधु की, जय श्याम साधु की, जय काली धाम की, जय जय जगदार की, जय रामदास की, जय। आओ बाबा आओ, आओ अच्छे टाइम पे आओ बाबा। कितनी उम्र है बाबा? 80 साल की है। आओ जरा 80 साल की आदमी मिलिए। हाँ डाल दिए माला बाबा को, पहना दीजिए। आओ इधर आ जाओ, घूम के जो पहनाओ इधर पहना दीजिए। पहना दो बाबा जूता उतार के। 22 सोमवार महाकाली धाम में बाल भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे पर्यावरण पधारे हुए हैं और उनका श्रद्धालु सत्कार कर रहे हैं। क्या ये श्याम बाबा दिन आज के क्या है? आज सोमवार है, सोमवार देवी के दिन है ना? जी हाँ, देवी का दिन ही है। तब कितनी बड़ी बात है, दरबार में क्या स्वागत हो रहा है। माता जी पूजे बरस रही है, माता कृपा इनके बरस रही है। तो जिन्हें भी कोई आयोजन करवाना हो तो आप भी बोल दीजिए। हाँ ठीक है, या आ सकते हैं, आ सकते हैं, डाल सकते हैं, अनुदान कर सकते हैं या करवा सकते हैं, किस तरीके से हो। यहाँ यहाँ का बाल भोज कराने वालों ने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। आप लोग डॉक्टर श्याम बाबा से मिलिए, बाल भोज करवाइए। हमारा यही आग्रह है लोगों से, क्योंकि अब ये बहुत ही रहस्य की बातें हैं। बाबा मुरारी ही कहा करते हैं कि भाई ये अब ये ओघल पंथ के हैं, कब क्या न कर दें, हम इनको नहीं समझ पाए, तो इसको रहस्य को रहस्य रहने दिया जाए। तब हमने श्याम बाबा से कहा कि आज दिन कौन सा है? सोमवार है जी हाँ, आज देवी का ही दिन है। तो हमारा यही कथन है कि जो लोग हैं कोई चमत्कार देखना हो आपसे मिले, तो यहाँ बंदर भोज करवा दिए और ये बाल भोज करवा दे। और ये देवी का स्थान है, शादी जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है, और यहाँ अजगर निकलते हैं, यहाँ अजगर भी निकला करते हैं, निकलना है, जब जिसको देखना हो आके देख सकता है। तो कुल मिला करके हम यही चाहते हैं कि भाई इसीलिए देखिए पानी की कोई तैयारी नहीं थी, और जो कैमरा देखिए बना रहे हैं ये ड्राइवर ने मालिक को छुट्टी दिया कि बाबा एक जगह बहुत जरूरी है, जिससे छुट्टी करके तब हम चले बच्चों को दिखा दे। जिन्हें कोई संपर्क करना हो तो अपना मोबाइल नंबर बोल दे रहे हैं। हाँ ना, बोल दीजिए। किसी संपर्क कोई करना चाहे, मंदिर संपर्क करना चाहे कर सकता है, ठीक है। उन्हें कोई संपर्क करना हो या माता के विषय में जानकारी करनी हो या कोई समस्या से ग्रसित हो तो यहाँ वो पहुँच सकता, आ सकता है। हमारा और श्रोता है, और मेरा मोबाइल नंबर है 99854-97-46 99854-97-46 एक दूसरा नंबर भी है 97-92-28-96-40 97-92-28-96-40 दोनों नंबर संपर्क हो सकता है, और मुख्य रूप से आपसे संपर्क हो सकता है। अब थोड़ा बच्चों की ओर दिखा दीजिए, मंदिर को देख लीजिए, मंदिर को देखिए। सब भोजन प्राप्त पा चुके हैं और अभी बच्चे खड़े हुए हैं। अरे और बच्चे अभी चले ही आ रहे हैं, बराबर। अब ये भंडारा चलता रहे, अभी 8-9 बजे तक चलता रहे भंडारा। नहीं नहीं ऐसे लोग बेटा आ जाइए, सभी लोग आ जाओ, आ जाओ, एक घर आओ, सब चले जाओ।
फोटो खींचने के लिए उसका तरीका ये है, जो एक फोटो हो जाए बच्चों की इच्छा है तो फोटो के लिए आप लाल स्वेटर वाले कहिएगा के साथ इसमें फोटो भी खींचने दो, इसको देखे रहो बंद ना होने पावे। श्याम बाबा वो लाल स्वेटर वाले कहिए किसी कैमरे में फोटो भी खींच दे जाप करके, यही देखिए हमारा संदेशा यही है कि प्रणाम गुरु जी, जय हो, आ गए सब कुछ हो गया सब है। आइए करीब आइए, देखिए अभी आपने कार्यक्रम देखा, ये रायबरेली से लगभग 20-22 किलोमीटर होगा, रायबरेली से 20-22 किलोमीटर है। रास्ते में जो गांव में गांव के रास्ते हैं उनको अगर हिंदुस्तान के यहाँ नेता हो, ग्राम प्रधान हो, वो लोग रास्ते को जरूर बनवा दीजिए। तमाम स्कूल के बच्चे खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। नेता लोगों से कहा जाए कि महाराज ये अपने खर्चे को रोकिए, आप लोग चलते हैं इंद्र भगवान के तरीके से, ये बड़े अफसोस बड़े शर्म की बात है। गांव के रास्ते में आइए, साइकिल लेके आइए, तब पता लगेगा आपको है ग्रामीणों की जाए फलानी की जाए क्या जाए। चुनाव के टाइम में आते हैं वोट मांगने, वोट मांगने केवल बेवकूफ बनाने आते हैं, बेवकूफ बनाते हैं जनता को, जनता को सावधान होना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करनी चाहिए, ये सरकार से मांग करता हूँ, कोई भी पार्टी की सरकार हो, आप जवाब दीजिए टीवी पर कि आप गांव देहात के गांव देहातों के सड़कों के लिए आप क्या कर रहे हैं। कितने बार नेता कितने बार गांव में जाकर सरकार से, तो कुल मिलाकर के समाधान कैसे होगा, ऐसी में बैठे बैठे चक्कर चलाएं समाधान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सड़कों के ऊपर ध्यान दें, कितना रोज जनता को तकलीफ हो रहा है, किसानों को जाली बड़े बड़े जाली बांट दिए जाएं, सब खेत को जाली से घेर दिया जाए, तो गौओं को वहाँ गौशाला में बंद करने की जरूरत नहीं है, सारा गोबर यहीं मिले कंडा यहीं मिले। आखिर ये बताइए गौशाला बन गया तो नील गाय सारा का ही नहीं बनाया, ये क्या बेईमानी नहीं है। अरे जब नील गाय स्वच्छंद है तो गाय को भी छोड़ दिया जाए, लेकिन कब सारे खेतों को तार की जाली से सरकार उसकी घेराबंदी करा दे।
वो किसानों की जाके मदद करे या ना करे, वोट नोट ले वोट दे, ये क्या हो रहा हमारे देश में? आपने देखा बाल भोज का और बानर भोज का चमत्कार, आप इधर दिखाइए। अब ये तीसरी पंगत बैठी है ना, ये तीसरी पंगत बैठी है, अब आप इधर दिखाइए हमारी हो तीसरी पंगत। अब ये इसके बाद अंधेरा हो जाएगा और बच्चे आके रहेंगे, जो यहाँ का बाल भोज देखने योग्य होता है, देखने योग्य होता है। काजी जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ वो छोटी नदी भी है हल्की वाली, अजगर वगैरह भी निकलते हैं, और ये एक तरीके से शमशान भूमि है ये, तो यहाँ का एक अद्भुत चमत्कार है। तो लोग यहाँ से जुड़ो, आओ देखो, मंदिर में चन्ना मन लगाओ, मार आलीशान मंदिर बनवा रहे हैं, आलीशान मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान ऐसे गांव गांव देहात में मिलेंगे। मैं किसी चन्ना नहीं मांग रहा हूँ, कोई किसी की इच्छा हो तो ये बाल भंडारा कर सकता है, यहाँ पे आके मुझे कुछ चाहिए नहीं, जी 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 माने मुझे देख रखा हुआ जी, दरबार कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है जी, लेकिन लोगों को यहाँ आना चाहिए। अब इधर दिखाइए, इधर इस बच्चे को देख रहे हैं, इस बच्चे को देख रहे हैं, यही तमाम बच्चे बैठे हैं, इधर दिखाइए, अब इधर ऐसे कितने बच्चे इसके अंदर बैठे हैं, क्या इस बच्चे से बड़ा कोई महात्मा है? ठंडी के अंदर में कड़ाके की ठंडी में बैठे हुए हैं, देखिए भंडारे पाने के लिए, पाने के लिए बैठे। तो कुल मिला करके जो संदेशा दिया जाए, आप वो देखिए, नेता लोग माला पहनते हैं, आज यही बाबा ने, इन्हीं लोगों की देन है कि श्याम साधु ने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, कि एक आदमी आओ हमें ये बताओ कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, बाबा किसे कहते हैं, बच्चों में क्या है, इनसे बड़ा कौन महात्मा है, है? तो ये बाल भोज, ये माँ देवी की कृपा है, अभी करके मंदिर का भी हम वीडियो बनाएंगे, ये एक अद्भुत स्थान है। तो दुनिया वालों यहाँ से जोड़ो, आकर के जो भी हो सके, जो माल मनोबल करना है आप यहाँ करके जो देखो। रेलवे वाले अनिल तिवारी जी रेलवे में है, वहाँ पूर्वोत्तर रेलवे में ऑफिस में है अनिल तिवारी जी, वो माल मानता माना, उनका काम हुआ यहाँ, भाग के आए, कितने लोगों का काम बना यहाँ। तो ये बाल भोज करवाइए, ये बड़े बड़े लोगों का भोज मत करवाओ शहरों में, ये गाड़ी जा रहे हैं हाथ जोड़ के शरबत पिला रहे हैं, अंधे हैं, यहाँ इन ग्रामीण बच्चों को देखो, आप इधर दिखाइए, वहाँ देख रहे हैं। अब ये तीसरी पंगत है, रात तक ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग संसार में होते हैं, बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे हैं, देखिए आप गरीब बच्चे होते हैं, कड़ाके ठंडी पड़ रही है, सर्दी से कांप रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनका धन बैठक में गंवा रहे हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके, कुछ बस की व्यवस्था की व्यवस्था कोई व्यवस्था सही है ना, होनी चाहिए ना, उन्हें जो कमजोर लोग हैं उनकी व्यवस्था छोटी छोटी होनी चाहिए, उनको उनको बड़ा लाभ मिलने वाला है, लाभ कोई बच्चों के लिए नहीं कुछ करता है। आप वहाँ मंदिर में शहरों में मंदिर के किनारे भिखारी बैठे हैं, एक एक भिखारी को दस दस कम्बल जोड़ दिया है, यहाँ पे लोग कितने कमजोर लोग, पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पाती, उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रही, एक एक बच्चा ले लो आदमी बिल्कुल हो जाए, कभी स्थिति छोटा है ना, विचार करना चाहिए कि हमारी संस्कृति कैसे बढ़ेगी, हमारा ये सनातन धर्म कैसे बढ़ेगा, जब ज्ञान होगा तभी तो बढ़ेगा, वो बच्चे को पहले सिखाएंगे उसको तभी बढ़ेगा, वो जिन्हें भी कोई श्रद्धा हो, आप श्रद्धा हो, कोई जगह स्थित बात नहीं है ना, कोई कोई पेड़ जगह स्थित दी जा रही है, जिसकी इच्छा हो तो कर सकता है, यहाँ का बाल बाल भोज ये माँ का दरबार है, बहुत बड़ा काम है यहाँ का, जिनको जो थोड़ा थोड़ा लोग मिल के करें दिखाइए घनश्याम जी, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, शुभचिंतक हैं, कुछ नहीं एक अंश मात्र हमारा फट बनता है, बाबा 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 को क्या दे सकता है, लेकिन जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, सभी फॉलोअर्स के लिए मैं इन बच्चों के इस माँ के दरबार में मैं उनके लिए क्या नाम, मैं ये कामना करता हूँ कि वो सुखी रहे, मुसीबतों से बचे रहे, और ऐसे ही स्थानों पर
जुड़े रहे। तो मैं इनको 501 रुपए इनको श्याम बाबा को भेंट कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये मैं बाबा हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ। श्याम साधु की जय। श्याम साधु की जय। एक संत के अंदर की भावना देखिए, बच्चों की खिलाने की, ये भंडारे में लगेगा अभी। आज ये पंजाब के साहब हैं, उनका नाम है अच्छा सा, अरे अंगराज हमने नाम रखा था, वो सेवादार है। मालूम से क्या कहा उसने, कहा बाबा इतने बड़े घराने के और आप चप्पल के टिकी पहनते हो, या हमारे चप्पल को दिखाओ। ये दीपेश मिश्रा जी ने मोजा भेंट किया, क्योंकि जो हमारे भक्त हैं मैं उनका सामान ही ग्रहण करता हूँ। हमको आप हमको पनाली के मारा पैरे की मारा पहनाओ तो भी हम ग्रहण कर देंगे, हमें गुलाब की माला पहनाएंगे, अनादर करेंगे तो मुझे स्वीकार नहीं है। हम ये वाणी को आपको बता, आपसे ये संदेशा दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जुड़िए और यहाँ के चमत्कार को देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा जाके अगर मिल जाएंगे बंदर, तो अभी बंदर भोज भी करेंगे, शादी ग्राम के यहाँ से आटा लेंगे, आटा लेके चले जाएंगे। देखो शादी ग्राम की आटा आज कितने साल से मैं ले रहा हूँ। और तमाम गांव लोग जय राम जी की, क्या लोग जय राम जी की बोलते हो, एक यादव जी आटा हमको दे सकते हैं, और जितने लोग हैं क्या वो लोग नहीं, हमको मुफ्त में मत दो, लेकिन रेट वही रखो जो हनुमान जी की सेवा में जाए। वो बेचारे आज भी मेरी सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है। तब तक पूरी उड़ी तैयार हो जाए बंदर भोज के लिए। हाँ। तो गोतवा प्रसाद आप ये बड़ी मिल जाए, आओ आपके पास आए, आपके पास इसके बाद लगा दे, आ जाओ पता रहे इसको कटवाओ, इसको काटो, इसको कटवा दो, ठीक है। अब इसको हम रख रहे हैं, आप लोगों ने देखा। हाँ भैया, अब ये बताइए ये बंदर रास्ते में कहीं दिखाई पड़े? बंदर अभी यही रहे, आगे यही रहे। ए लाओ 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 सामान लाओ, चलो ये एक बार हम लोगों का भोज हो जाए। इसको हम रोक रहे हैं, अब देखिए हमारी फौज में है और ये बेचारे मिलने के लिए ठंड में आए हैं मिश्रा जी। बस लौट के सब करेंगे हम, पहले बंदर के नहीं, हम मंदिर और पूरी के चक्कर में नहीं, तो यहाँ थे तो आप चलेंगे, आप तो यहाँ व्यवस्था में लगे हैं। आपने कहाँ बंदर देखा है? रोडे पर है। चलो चलो जय जय हनुमान जी। लाओ 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 श्याम बाबा सामान लाओ लाओ, चलिए साहब रहते ही। हाँ कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ए थोड़ी आटे की लोई भी ले लो छोटी। हाँ उसे में लोई भी डाल दो ताकि वो कम ना पड़े। लाओ जल्दी लाओ, एक चाहे तस्लीम ले लो, क्यों अपने लोडर से हम चल रहे हैं। हाँ साथे ले चल रहे हैं। आप तो देखो स्कूटी चल दिया जाए, स्कूटी चल दिया जाए, लोडर से बैठ लीजिए। लोडर से स्कूटी में अगल बगल जाए के मिल जाए, यही है ना? ये आपने अकल की बात कही, स्कूटी से करेंगे। हाँ स्कूटी से मान लीजिए पता लगा वो बाग में है, वैसे उतर जाइए है ना। तो आप मोटरसाइकिल से आए हैं? स्कूटी से आएंगे। अच्छा वही स्कूटर, तो उसमें हम लोग आ जाएंगे। लोग दो तीन लोग, तीन लोग आ जाओ आराम से। तीन लोग का है बस, आप हैं हम हो गए। और क्यों घनश्याम, जब तक आप यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए और काली जी के दर्शन कर लीजिएगा, बस लौट के आएंगे तब दर्शन करेंगे। हम चाय पियेंगे तो फिर बंदर भोज नहीं हो पाएगा। अरे वहाँ हैं तो कम से कम इतना तो हो ही जाए, सबसे बड़ा काम है। बस ले आओ श्याम बाबा, जल्दी लाओ, थोड़ा उतने में हो जाएगा। कान में बांधे हो ना? हाँ, लगा है। ठीक, तो अब कल सवेरे आ जाइएगा है ना, चलेंगे ना डल बहू। डलबो गुरु जी, अभी थोड़ा आपसे बात करना है। अच्छा। एक रिलेशन के लोग आ गए हैं। हाँ उनका समझाया रहे कि नहीं आना, लेकिन अब
अच्छा मान लीजिए गेहूँ सब भिगो दिया गया, नहीं तो फिर सामान आपका जाएगा कैसे? जाएगा वही व्यवस्था किसी ने किस तरीके से हैंडल करवा रहा है, आपके पास पहुँचा रहा है, एक लड़का भी कोशिश कर पहुँच जाए साथ में। हाँ भैया कहू का एक साथ में तो भेजेंगे पड़ी हम पूर्णमासी में, ये सब भरा रह जाएगा, ये गांव गेराव हगना मुसना ये सब रखा रहेगा, ये गंगा स्नान कहाँ मिलता है पूर्णमासी में, अब न किराया लगना न भाड़ा लगना, तो आप आ जाइएगा। अच्छा इसी में हमने चना वगैरह भिगवा दिया कस के, हाँ अब चना जैसे कोई आएगा तभी तो चना छानेगा, वरना हमको तो हमको जो झेलना पड़ जाएगा फिर तो। वीरगंज में है? वीरगंज परसों गए थे वहाँ पे, वहाँ पर भी 1500 बंदर लगा। हाँ हाँ वो तो है ही है, लेकिन गंगा जी के हाँ हो गया श्याम बाबा, आप इनको दे दो दे महाराज, चलो चलिए चले हम जरा हो हमें है फिर हम आते हैं। आइए ए ए यहाँ यहाँ थोड़ा हाँ गुरुजी थोड़ा सा इसमें आटे की दोई डाल दो यार, अभी जब कम पड़े हाँ हाँ इसे डालो नहीं तुम खुदे डाल दो एक, हाँ बड़ा वाला रख लो, नोट नोट दे दे हाँ अब ले लो, बंदर के नहीं कमी होनी चाहिए, अरे भैया गर्म की बात चलो हम ले लो गिलास आके अच्छा चलिए पियो बेकार। अभी आएंगे ना यहाँ? हाँ ठीक है चाय पी लीजिए उसके बाद फिर पी लेना। निकालो गाड़ी कहाँ चाहिए हो आप अपना बड़ गाड़ी देव हाँ पकड़ो जल्द मुँह चले ये घनश्याम घनश्याम को जो है प्रसाद जो है उनको खिलवा दीजिए। हाँ हाँ खिलवा हाँ चलिए दो बजे जाएंगे चलिए हाँ चलो स्कूटर से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे ना, अब पता लगा गांव में बंदर कहीं इधर है, हम आ रहे हैं आप यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए, हम ना चले हाँ आप नहीं जाएंगे, चाभी हिफाजत ताजेश रखना। आइए देव देव इसको ले लो ऐसा देखे टांगे टांगे कहाँ घूमक हाँ 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 आप लोग बैठिए खड़े न रहिए इसे आप जाइए जाके बता दीजिए। तो एक लड़के को जो है भाई इतना बड़ा काम देखिए इस चीज तरह में हमको चलना है लेकिन हमारी समस्या बहुत नहीं नहीं कोई बात नहीं है तो आदमी कोई ना कोई सवेरे आ जाए चने को छनवा दे है ना हम अपने स्कूटर दे देंगे साथ में हैं स्कूटर दे देंगे हाँ हाँ लड़के को बिल्कुल बिल्कुल नहीं अगर वो जाना चाहेगा तो हम लोग जाएंगे दो तीन घंटे में लौट आएंगे वहाँ कोई बैठना थोड़े है अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है क्योंकि वहाँ बांटने उठने में जरा आराम रहेगा फिर हाँ क्योंकि इतना बड़ा फिर ये पूर्णमासी और गंगा जी का मामला है अब इस भयानक सर्दी में हम देखो तैयार हो गए अच्छा दीपेश जी का तो मुश्किलें होगा जाने के लिए। हाँ नहीं दीपेश जी से पूछ लीजिएगा हम नहीं जाएंगे तो उनका भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अच्छा हम चलते ना हाँ हाँ तो वो भी चल देना। अरे हम ये चाह रहे थे कि जो बुढ़ऊ खुरा पात केहन है वो बहुत बढ़िया उनको जवाब मिल जाता कम से कम ये देखते कि देखो ये लोग गए वहाँ सब हुआ लेकिन चलो उनके नाम से हो जाएगा। बना लो ना।